माय नेम इज मेहर, वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं पटाटा चीज बॉल। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज है और शाम के वक्त आप स्नैक्स के तरह से भी खा सकते हैं। चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने मीडियम साइज के 3 बटाटा लिए थी, यानी कि आलू मीडियम साइज के लिए थी और मैंने उसको बॉईल करी, थोड़ा मैंने कड़क बॉईल करी थी और उसको मैंने ना कद्दूकस कर ली हूँ। ये देखिए मैंने घस ली हूँ, हाथ से मैच नहीं करी हूँ। और 2 टेबल स्पून हमें पेपरिका लगेगा, यानी कि जो हमारी पेपरिका पाउडर रहता वो लगेगा और नमक टेस्ट के हिसाब से लगेगा। 2 टेबल स्पून हमें मैदा लगेगी, 1 टेबल स्पून हमें शेजवान चटनी लगेगी जो मेरी होममेड है, मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। चीज लगेगी, चीज जरूरत के हिसाब से, जितने बॉल बनेंगे उतने चीज क्यूब्स लगेंगे। और हर्ब्स लगेगा, ओरिगानो हर्ब्स लगेगा हमें, ये हमें 1 टीस्पून के जितना डालना है। और थोड़ी सी चीज हमें अलग से लगेगी जो कि हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। और थोड़ा सा हमें ब्रेड क्रम लगेगा, यानी कि 2 टेबल स्पून के जितना ब्रेड क्रम लगेगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो बटाटा हमने कद्दूकस करके रखा था उसमें हम नमक डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। पेपरिका पूरा डाल देंगे जितना मैं अपनी रेसिपी में बताई हूँ, और ये शेजवान चटनी भी जितना मैंने रेसिपी में बताई हूँ मैं पूरा डाल दूंगी इसके अंदर। और ये ओरिगानो हर्ब्स में 1 टीस्पून के जितना मुझे लेना है वो डाल दूंगी। थोड़ा सा हाथ से मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे मसल के डालना है, थोड़ा सा इसको ना हाथ से मसल दूंगी ताकि ये मोटा मोटा जो रहे मुंह में ना आए। और इसमें चीज थोड़ी सी मुझे घसनी है, चीज घस दूंगी, आप अपने हिसाब से घस सकते हैं। अंदाजे से 2 क्यूब्स घसने हैं और बाकी अंदर जो हमें डालने हैं, अंदर जो रखेंगे वो आप अपने हिसाब से जितने बॉल्स बनाने हैं उतने लगेंगे। और ये हम 2 क्यूब्स के जितना बटाटे के अंदर, यानी कि आलू के अंदर हम इसको घस लेंगे। ये घस लिया हमने और फिर अच्छे से हाथ से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए चीज हमने घस ली और इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे, जितने भी हमारे मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाए बटाटे के अंदर। और ध्यान रखिए बटाटे को एकदम थोड़ा कड़क आपको उबालना है, एकदम नरम करके नहीं उबालना है। देखिए आलू को हमने मिक्स करके, यानी कि हमारे बटाटे को मिक्स करके रख दिया। और ये देखिए मैदा जो मैंने आपको बताई थी वो मैदा ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे और इसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे, जैसे पतला हम पेस्ट बनाते हैं। और छोटा सा ही, थोड़ा सा देखिए मैं पानी का उतना इस्तेमाल करूंगी जितना पेस्ट के लिए लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा हम आलू लेंगे, अपने हाथ में लेंगे बटाटे को, अपने हाथ में लेके जैसे कि मैं आपको बॉल्स बनाना बताती हूँ उसमें ही उसी तरह से हमें बनाना है। चीज का क्यूब्स बीच में रखना है और हमें इसको पूरा बॉल बनाना है और एकदम अच्छे से इसकी एयर बाहर आनी चाहिए, नहीं तो हमारा बॉल जो है वो फूट जाएगा और मतलब अच्छा भी नहीं बनेगा, खूबसूरती भी नहीं आएगी। देखिए ऐसे ही बॉल बनाना है। सबसे पहले हम मैदा में इसको डीप करेंगे, मैदा में डीप करने के बाद में हम ब्रेड क्रम में करेंगे। ऐसे ही मैं एक बॉल आपको और बना के बताती हूँ, फिर मैं ऐसे ही सारे बॉल तैयार करके और फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले एक बॉल देख लीजिए और क्योंकि मैंने कैसे बनाया है, और फिर ऐसे ही सारे बॉल हमें तैयार करने हैं। जितना आप बनाना चाहें उतने बॉल बना के रेडी रखें और कढ़ाई तैयार रखें अपनी। और ये देखिए मैदा में डाल दिया, जो हमने मैदा का एक पेस्ट बनाया था उसमें डाल दिया और फिर हम ब्रेड क्रम में डालेंगे। ऐसे ही सारे बॉल मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए मैंने मैदा में डीप कर ली थी, फिर मैदा में डीप करने के बाद में मैंने ब्रेड क्रम में इसको बॉल को घुमाई। और अब मैं तेल मैंने चूल्हा चालू कर दी हूँ, तेल उसमें रख दी थी, कढ़ाई रख दी थी और तेल हमारा हो चुका है। अब मैं ये सब बॉल को डाल दूंगी। एक फोक या एक स्पून की मदद से आपको ये करना है, नहीं तो हाथ पे पूरा बटाटा स्टिक हो जाएगा क्योंकि बटाटा थोड़ा सा हाथ पे चिपकने लगता है। ऐसे ही हमें सारी बॉल अपनी बनानी है और तैयार करके, और ऐसे ही मैं सब फ्राई कर लूंगी। देखिए हमारे चीज बटाटा चीज बॉल रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसको हम निकाल लेंगे, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े से ही मैंने फ्राई करी हूं। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं।
देखिए बटाटा चीज बोल हमारा तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही टेस्टी है, यमी है, जरूर ट्राई कीजिए, एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।